हेलो एवरीवन, वेलकम टू के ट्रैवल व्लॉग। आज का व्लॉग है गेट रेडी विथ मी फॉर वेडिंग। तो आज मैं पहली बार व्लॉग बना रही हूँ गेट रेडी वाला। तो मैंने थोड़े से शॉर्ट्स कई बार बनाए हैं एक दो बार, लेकिन आज जो है वो मैं पूरा व्लॉग बना रही हूँ। मुझे एक शादी में जाना है अपने कलीग की। तो जो है ड्रेस, मेरी थोड़ी कन्फ्यूजन है मेरी ड्रेस में कि मैं क्या आउटफिट पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और मैंने क्या क्या जुगाड़ किया है। तो दिखाती हूँ, पहले तो मेरे पास ये एक टॉप है, ये वाला, ठीक है, और ये है साड़ी। ये है सिल्क में साड़ी, ये वाली, और इसके साथ है ये टॉप है, ब्लाउज़ नहीं है, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं इसके साथ पेयर करूँ, और मैं साड़ी तो पहन पाती नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं जाती हूँ अनामिका दी के पास, और वो मुझे बहुत अच्छे से तैयार कर देती हैं। मेकअप करना मुझे आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टच करके थोड़ी सी ठीक ठाक दिख जाती हूँ, तो ले वो मुझे अच्छे से साड़ी पहना देती हैं। बाहर से मेकअप करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ साड़ी जो है वो मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती और ना ही मुझे ढंग से पहनना आता है, तो मैं वो साड़ी उनके पास पहनने जाऊंगी। तो ये मेरे पास एक लहंगे का वो था टॉप, तो मैंने लहंगे के साथ पेयर किया था। तो मैं सोच रही हूँ अगर वो मुझे कुछ इसके साथ अगर वो साड़ी पहना देती हैं तो वेल एंड गुड। और एक ऑप्शन है मेरे पास और, वो है इस साड़ी का, ब्लैक कलर की साड़ी है और इस पर ये लेसेस लगी हैं। कतरन मार्केट जब मैं गई थी, ये कुछ इस तरीके से प्लेन साड़ी है और ये है इस पर बॉर्डर। ये एक्चुअली ये बनाई गई साड़ी है, मैं जब कतरन मार्केट गई थी तो मैंने ये कपड़ा वहाँ से लिया था, तो और उसके बाद मैंने ये लेस भी वहीं से ख़रीदी थी, और तो मैंने उसको इसके साथ लगा लिया। मैंने कतरन के ऊपर भी एक ब्लॉग बना रखा है, उसमें मैंने खरीदते हुए तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन उसके आपको मैंने प्राइस वगैरह सब बताए होंगे फैब्रिक्स के बारे में। और ये है इसका, इसके साथ जो मैं सोच रही हूँ ब्लाउज कैरी करने के लिए ये। और इसकी भी खास बात ये है कि ये मेरा एक लहंगे का ब्लाउज़ है, तो सब कुछ जो है ना वो सब कुछ अलग 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 है। मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, मैं सोच रही थी पहले कुछ ख़रीदने के लिए, पर वही है एंड टाइम पे आप ख़रीद नहीं पाते हो। सबके साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाती हूँ एंड टाइम पे, और सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, और ये मुझे लगता है हर गर्ल्स के साथ होता होगा। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं, और एक और है वो है इस जयपुरी लहंगे का, ये बहुत ही प्यारा सा है कॉटन में, ये मैंने अभी पहना नहीं है, ये इस तरीके से है और ये ब्लाउज़ भी इसी का है, तो ये तो मैं अभी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि इसका मेरा अभी पहनने का मन नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस मेरे साथ हैं, तो अभी मैं जाऊँगी वहाँ पर, तो उनसे भी एक बार मैं एडवाइस ले लूँगी कि मैं कौन सा पहनूँ, और दोनों सबके साथ मैंने ज्वेलरी भी डिसाइड कर। मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, मैं सोच रही हूँ कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, अगर मैं गोल्डन ये वाली साड़ी पहनती हूँ, नहीं नहीं सॉरी, अगर मैं ब्लैक वाली साड़ी पहनती हूँ तो मैं ये वाले पेयर करूँगी। ये मैंने लाजपत नगर से लिए थे, और मेरे पास इसके अलावा और भी ज्वेलरी है, वो ज़्यादातर मैंने सारी लाजपत नगर से ही ले रखी है, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी मिलती है वहाँ पर। ये मेरे चोकर सेट भी है, और एक इयर रिंग्स ये हैं, ये है ऑक्सीडाइज ब्लैक मेटल में। तो अब मैं डिसाइड करूँगी वहीं जाकर कि मैं क्या करूँ, कौन सी साड़ी पहनूँ और किसके साथ क्या, तो सब कुछ उलट पुलट हो रखा है, तो वहाँ जाकर ही डिसाइड करते हैं दीदी के पास जाकर ही कि क्या चीज़ सही लगेगी। और साथ में थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बनाने का मन है मेरा इस बार, क्योंकि ऑलवेज मैं हमेशा स्ट्रेट हेयर्स ही रखती हूँ, और बोटॉक्स कराने के बाद आप मेरे देख ही सकते हैं कि बोटॉक्स कराने के बाद मेरे जो बालों का हाल है वो कैसा है। वैसे भी मतलब और भी जो मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है उससे तो बेटर ही है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरा बोटॉक्स वाला वीडियो देखना कि मेरे पहले बाल कैसे थे और बोटॉक्स के बाद मेरे बाल कैसे हुए, और अभी भी 6-7 मंथ्स के बाद मेरी कंडीशन जो है मेरे बालों की वो
रिबॉन्डिंग या मैंने जो स्ट्रेटनिंग जब भी कराई है उनसे बेटर है, तो मैं स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ, बाल खुले ही रखती हूँ। तो कुछ मैं देखती हूँ कि वो क्या कहती है कि कौन सा कैसा हेयर स्टाइल मेरे पे सूट करता है। तो चलो चलते हैं उनके पास और तैयार होते हैं। मेकअप मैंने कर लिया है, अब है हेयर स्टाइल की बारी। अब अभी अनामिका दी आएंगी और उन्होंने डिसाइड किया है कि साड़ी कौन सी पहनूं मैं। बाल बहुत हल्के हैं ना इसलिए हेयर स्टाइल थोड़ा सा, लेकिन आपने जो पहली बार बनाया था ना वो अब बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैं सोच रही हूँ वही आप रिपीट करो। तो डिफरेंट कर दूँगी दो बार। अच्छा ठीक है, जैसे थोड़ा सा फ्लफी लुक देके। हाँ, बाल हल्के हैं ना। हाँ बहुत तो हल्के हैं, यहाँ पे फिर पिन अप कर दूँगी इस टाइप से। फाइनली बन गया है मेरा हेयर स्टाइल और वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, दी को भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी लिपस्टिक बाकी है। लिपस्टिक बाकी है। ओके।